भागते रहो कि इस फिल्म के इस ट्रेलर लॉन्च में हम हैं। अगर मैं कहूं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य साथ में हैं, या ये कहूं कि शक्तिमान और किलविश साथ में हैं, आपको जो पसंद आए समझ लीजिए, क्योंकि ये आदमी द्रोणाचार्य के रूप में अच्छा था और किलविश के रूप में बिगड़ गया है, पर शक्तिमान वही है, भीष्म पितामह वही है। मैं इस फिल्म के लॉन्च में फिल्म वालों को, जिन्होंने फिल्म बनाई है, जिन्होंने मेहनत की है, सभी एक्टरों को जो इस फिल्म में भागते जा रहे हैं, मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा। प्रफुल्ल ये बहुत ही काबिल डायरेक्टर है और टीवी सीरियल से मेरे साथ 25 सालों से जुड़ा हुआ है। मार्शल में थे तुम, अधिकारी ब्रदर्स के साथ जब मैंने मार्शल की थी उस वक़्त ये मार्शल में था, और ये इनके भाई हैं सुनील तिवारी, जिनके साथ मैंने एक सीरियल बनाई थी जिसका नाम देवता था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, और एक फिल्म शुरू की थी हमने जो नहीं बन सकी आगे, पैंथर या तो वो इनके भाई हैं, और मैं समझता हूँ कि अच्छी फिल्म बनाई होगी इन्होंने, क्योंकि मैं इस फिल्म को जुड़ नहीं सका एज एन आर्टिस्ट। इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैं उस वक्त चेयरमैन CFSI में मैं बिज़ी था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और ये मेरी शायद आवाज़ भी इस फिल्म में अपने साथ रखना चाहते हैं। सो मेरा आशीर्वाद है प्रफुल्ल के ऊपर, सक्सेसफुल बनो, क्योंकि आज के ज़माने की फिल्म बनाई है इन्होंने। हाँ जी, कुछ इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा इनकी फिल्म दिल दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और बहुत बड़ी सुपर हिट हो। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ, विश हिम ऑल द बेस्ट। जी पवन जी बोलिए। पवन जी भविष्यवाणी, मेरी भविष्यवाणी यही है कि ये फिल्म सफल होगी, आशाती सफलता प्राप्त करेगी, और जब स्वयं भीष्म पितामह ने और आचार्य द्रोण ने आशीर्वाद दे दिया तो उसमें कोई संदेह ही नहीं कि सफल होगी होगी फिल्म। योगेश जी बोलिए आप। ये योगेश जी बोलिए इस फिल्म के बारे में बोलिए। योगेश लखानी की पोस्टर लगाएंगे जितने भी फिल्म में वो ब्राइट हो जाती है। बिल्कुल योगेश जी जिस फिल्म में आते हैं वो फिल्म ब्राइट हो जाती है। जी ब्राइट हो जाती है, और अपनी खुद और जब ब्राइट होती है तो वो उजाले की तरफ आती है, किलविश की अंधेरे की तरफ। खुद की एडवर्टाइजमेंट की है जिन्होंने अभी ब्राइट किया, उनको सालों से जानता हूं, मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन फिल्म का ब्राइट किया। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इस फिल्म के किरदार भाग रहे हैं, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि इस तरफ राजनीति के मंच पर सब लोग भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन वो भी भाग रहे हैं, भागते रहो, पकड़ लो, कहीं वोट जाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही डेफिनेटली एक बहुत ऐसी जगह पर हमारा देश आया है जहाँ पर राजनीति जो है हस्तिनापुर की राजनीति से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं ये कहना चाहूँगा। मैंने कभी नहीं सुना कि RSS ने कहा कि प्रणब मुखर्जी PM बनेंगे। ये आप लोग सामना भी कर देते हो, आप लोग छुप भी जाते हो, आप लोग जो भी चाहो पेपरों में लिख देते हो, आप लोग ही कहानियां बनाते हो, आप लोग ही मुखड़े बनाते हो, कभी सहिष्णु बना देते हो, कभी आप लोग सांप्रदायिक वर्ड निकाल देते हो, कॉइन करते हो। सो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता। अगर मोदी जी के टाइम पर हमारे देश का कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 50 सालों में कुछ भी नहीं होगा पुत्र, कोई लीडर नहीं है। आप देखिए कौन सामने बैठा हुआ जो इस तरह की बात सोच सकता है कि टॉयलेट बनाया जाए, सोचा किसी ने आज तक कि स्कूल के बच्चों को टॉयलेट नहीं होता? सिर्फ आप खड़े हो जाते हो आप लाल किले पर, अगली बार पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यही कहते आ रहे हो आप 50 सालों से। एक शख्स आया है जिसने एक राह दिखाई है, अब राह में रोड़े बहुत होते हैं, ये किलविश के बाशिंदे भी होते हैं, शकुनी के भांजे भी होते हैं, तो प्रोग्रेस कितनी हुई उसमें मत आंकिए, सोचिए कि सामने कोई लीडर बैठा है जो मोदी जी की तरह सोच सकता है, माफ़ करना कोई नहीं है। इसलिए वोट कैसे बटेगा मुझे नहीं मालूम, ये बेशर्मी की तरह से ये सारी पार्टियाँ एक तरह जुड़ गई हैं। पिछले दिन मैंने किसी चैनल पे कह दिया कि बेशर्मी से जुड़े हैं, तो कांग्रेस वाले खड़े हो गए, सर आपको कैसा हक पड़ता है कि आप हमें बेशर्म कहें? मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आपको लेना तो मत लीजिए। पर इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगी कि जिसको आप गाली दे रहे हो, जिसके साथ आपने झगड़े किए हैं, सिर्फ गोली नहीं मारी होगी शायद, पर जितने जितने आपने वर्ड्स के दागे हैं,
उनको आप कहते हो चलो आई मिल हाथ मिला लेते, चलो मिल लेते हैं, चलो मिलते हैं थोड़े टाइम के लिए मिल लो, बस इस शख्स को हराना है। देश का कोई फायदा नहीं सोच रहा, इस शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है उनको हराना है, बस उनका यही लक्ष्य है। आगे करोगे क्या आप? उनकी कुर्सी को हटा के बैठ जाओगे, फिर देश 50 साल तक आपको देखेगा क्या कर रहे हैं बताओ, आपको पता नहीं होगा। माफ कर जी सर, देखिए देखिए देश को चलाना बहुत मुश्किल है, ये भारत देश है, ये इतना आसान नहीं है। 4 साल दिए आपने दूसरी पार्टी को, 50 साल दिए आपने, पेट्रोल के प्राइस उस जमाने भी ज़्यादा थे। आज अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे बीच में अगर किलविश के बाशिंदे आ जाते हैं, अगर शकुनी के भांजे आते हैं, तो मेरी स्पीड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होगी। तो ये पेट्रोल की वजह से सरकार मत चूज़ कीजिए। आपका 50 पैसा कम हुआ तो मैं आपको दूंगा, आपने 1 पैसा कम किया तो वोट नहीं दूंगा। दिस इज़ नॉट अप्लाई योर माइंड। सोचिए, बहुत कुछ मैं समझता हूँ लोगों ने नुकसान, बहुत कुछ तकलीफें नोटबंदी में भी उनको हुआ है, बहुत कुछ उन लोगों को GST में भी हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं कड़वी दवाई खानी पड़ती है, उसके बाद में शायद मैं समझता हूँ बीमारी हटेगी। देर हो रही हुई होगी शायद, कहीं ना कहीं देर हुई होगी, बट कारण बहुत है। सर, एक आखिरी सवाल है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मुंबई में, और 2 साल का लड़की की मौत हुई चेम्बूर इलाके में, तो आप क्या टीएमसी विफल रही और जो मेयर है उसको सैक कर देना चाहिए? मेरा मुंह मत खुला पुत्र, तू जानता है मैं बोल जाता हूँ। मैं तो मैं यही कहूँगा कि हमारे बम्बई या मुंबई जिसको कहते हो, इसकी कॉरपोरेशन आई थिंक रिचेस्ट कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड है या पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत रिच है। और मैं कहूँगा कि जितना लेट उन्होंने किया है शायद किसी ने नहीं किया होगा। सड़कें बनती हैं टूटने के लिए बनती हैं, कॉन्ट्रैक्टर को फिर से मेरा बस चले तो मैं इनको कहूँ जिसके खड्डे फिर से आए हैं उसको बनाइए बिना पैसे से। तो ये हर साल जो बारिश हंगामा करती है वो तो करने वाली है, पर आपने क्या किया है? आज आप जिसको कहते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, उसका नाम हाईवे से चेंज कर दीजिए, वो हाईवे से भी क्या, वो एक नॉर्मल वे से भी बदतर हो गया। गोरेगांव में आप अटकते हो, हर साल अटकते हो, किसी ने नहीं सोचा कि क्या किया जाए। सो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। मैं ये साफ कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अगर हर आदमी ईमानदार हो जाए, देश हमारा सुपर पावर बनेगा। पर माफ़ करना, ईमानदारी आजकल बहुत महंगी हो गई है, कोई ईमानदार बनना नहीं चाहता, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो नेता हो। ईमानदारी वर्ड जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कॉरपोरेशन को भी ईमानदारी के लिए लेक्चर मिलना चाहिए कि प्लीज़ ईमानदारी से करिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बच्चे मरते हैं, कभी कोई ये प्रॉब्लम आता है, पानी से पूरे का पूरा बम्बई अटक जाती है। तो यू आर राइट, मैं आपके साथ हूँ कि कॉरपोरेशन वालों को, आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए, मुझसे मत पूछिए, आप उनसे पूछिए। बोलूँ? ओके, हाय, मेरा नाम रिया दीपसी है और इस फिल्म में आप मुझे गुनगुन के किरदार में देखेंगे, तो इस फिल्म की हीरोइन है और आई थिंक गुनगुन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही मस्तीगोर, बहुत ही चुलबुली, बहुत ही बिंदास कैरेक्टर है। आई थिंक इस फिल्म में जो मज़ेदार फन एलिमेंट है वो थोड़ा बहुत गुनगुन से भी आता है, सो यू विल एंजॉय इट। बाकी तो काफ़ी सर लोगों ने बताया दिया मूवी के बारे में, इस मूवी में सब भाग ही रहे हैं, एवरीवन इज़ रनिंग, एंड बाकी आप फिल्म देखिए। जैसे फिल्म का जो जॉनर है वो कॉमेडी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कैसा काम करने का एक्सपीरियंस रहा? मैं हमेशा से कॉमेडी जॉनर में काम करना चाहती थी, सो मुझे तो बहुत मज़ा आया। यस, हम लोग बहुत हंसे हैं ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी, और सबसे बेस्ट बात यह है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले हम लोगों को, जिन्होंने हमें इतनी स्पेस दी कि यू नो अगर आपको इम्प्रोवाइज करना है, अगर आपको अपना कुछ एलिमेंट डालना है, सो जस्ट यू नो गो विद इट। और कभी सर ने मना नहीं किया या रोका टोका नहीं, सो इट वाज मोर फन बिकॉज यू नो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इम्प्रोवाइजेशंस भी इसमें मूवी में दिखेंगे आपको। सो या सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमेडी फिल्म है, बिल्कुल धमाल और स्लैपस्टिक सिचुएशनल टॉकेटिव है। हाँ पूछो। हाँ डेफिनेटली, बहुत अच्छे एक्टर हैं डेफिनेटली, तो वो तो होगा ही। तो कई सारे नए एक्टर्स भी हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या ब्रीफ देना पड़ा उनको? हाँ, शुरू में थोड़ा सा कैरेक्टर के हिसाब से उनका सिलेक्शन, फिर उनकी वर्कशॉप, फिर वो कैरेक्टर में सूटेबल थे,
फिर उनसे काम करवाया जो मैं चाहता था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कुल मिला के इन सबकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बैठी कि बहुत कोई ऐसा लगता ही नहीं एक्टिंग कर रहा, सब नेचुरल लग रहे हैं। हाँ थोड़ा सा तो ये 8-9 लोगों की कहानी है जो नकारा है, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं और उनके पास कोई मकसद नहीं है, लेकिन जोश है तो होश नहीं है, दिशा नहीं है। तो एक आदमी है वो उनसे बड़ा निकम्मा है, वो भी किसी काम का नहीं है, उसे कहीं से बाहर निकाला जाता है और वो इन लोगों को देख के एक टीम बनाता है टू डू समथिंग, और बाद में पता लगता है कि उन्होंने उसकी बैंड बजा दी और वो बोलता है भाई आज के बाद तू मेरे को मिलना मत, और फिर किस तरह से कहानी एक मिशन से जुड़ती है एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ मिशन और ये सब लोग ये यूनिटी जुड़ती है एंड दे आर सक्सेसफुल। सुनील पाल एंड हु एल्स वाज देयर, ऑल द एक्टर्स, it should be a great success. Thank you so much.